यू आर अगेन वेलकम ऑन केपी एडु मैथमेटिक्स। ये क्वेश्चन आप बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से सॉल्व करे जा रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स, एक प्रकार के ठोस का दूसरे प्रकार के ठोस में रूपांतरण। क्वेश्चन है, एक गोल कैरम बॉल जिसका व्यास है 28 सेंटीमीटर, इसको पिघलाकर 35 सेंटीमीटर आधार के व्यास वाला एक लंबवृत्तीय शंकु बनाया जाता है। शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो कैरम बॉल जिसका व्यास है 28 सेंटीमीटर, गोल जो बॉल है उसका व्यास 28 सेंटीमीटर और इसलिए त्रिज्या हो गई इसकी आधी यानी 14 सेंटीमीटर और इसलिए इस बॉल का आयतन गोल है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 इंटू पाई आर 14 क्यू, ये सेंटीमीटर क्यू गोल बॉल का आयतन हो गया। सॉरी, इसको पिघलाकर 35 सेंटीमीटर आधार व्यास का शंकु बनाया गया, यानी शंकु के आधार का व्यास 35 सेंटीमीटर और इसलिए त्रिज्या हो गई 35/2 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। माना शंकु की ऊंचाई बराबर h और इसलिए शंकु का आयतन, शंकु का आयतन फार्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर 35/2 स्क्वायर इंटू एच। चूंकि ये शंकु बाल को पिघला के बना गया है अतः प्रश्नानुसार शंकु का आयतन बराबर बॉल कैरम बॉल का आयतन, शंकु का आयतन है 1/3 पाई 35/2 स्क्वायर इंटू एच और बॉल का आयतन है 4/3 पाई 14 क्यूब। पाई दोनों तरफ से कैंसिल हो गया और इसलिए आ गया H इज इक्वल टू 4/3 14 × 14 × 14 और ये 1/3 इधर हो गया 3/1 35/2 2 × 2 / 35 × 35 ये 3 कैंसिल हो गया, 7 × 5 = 35, 7 × 2 = 14, 7 × 5 = 35 और 7 × 2 = 14। ऊपर है 4 × 14 = 2 × 2 × 2 इन सब का गुणा हो गया 896/2 × 2 ये 25 एंड दिस इज इक्वल टू दिस इज 5 × 5 सो नीचे दिस 25 इज 5 × 5 सो दिस इज इक्वल टू 896/25 दिस इज 35.84 सेंटीमीटर ये शंकु की ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या के बेलनाकार टैंक में एक बेलनाकार पाइप से 2.52 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पानी भर रहा है। आधे घंटे में पानी का स्तर 3.15 मीटर बढ़ता है तो पाइप का आंतरिक व्यास ज्ञात कीजिए। 40 सेंटीमीटर का बेलनाकार टैंक है त्रिज्या वाला, उसमें आधे घंटे में पानी का स्तर 3.15 बढ़ जाता है। ये अगर बेलनाकार टैंक है और इसमें 3.15 मीटर तक पानी इसमें बढ़ जाता है और इसके आधार की त्रिज्या है 40 सेंटीमीटर,
तो आधे घंटे में बेलनाकार टैंक में भरे पानी का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन हुआ पाई इंटू आर स्क्वायर, ये 40 स्क्वायर इंटू एच 3.15, ये सेंटीमीटर में या मीटर में, इसलिए इंटू 100 करिए, ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब, ये पानी भर गया आधे घंटे में बेलनाकार टैंक में, पानी आ रहा है बेलनाकार पाइप से, पानी की गति है 2.52 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ये हो गया 2.52 इंटू 1000 तो मीटर बन गया, इंटू 100 तो ये सेंटीमीटर बन गया, सेंटीमीटर प्रति घंटा। पाइप का आंतरिक व्यास माना, पाइप की आंतरिक त्रिज्या बराबर आर, इसलिए आधे घंटे में पाइप से आने वाले, पाइप से आने वाले पानी का आयतन, पाइप भी बेलनाकार है इसलिए पाई आर स्क्वायर एच के फॉर्मूले से पाई आर स्क्वायर और एच, कितनी दूर तक पानी आधे घंटे में चला जाएगा, तो आधे घंटे में आधा कर लीजिए और 2.52 इंटू 1000 और इंटू 100, ये एक घंटे का है आधा कर लीजिए आधे घंटे का हो गया। अतः प्रश्नानुसार ये जो पानी पाइप से आ रहा है यही इस बेलनाकार टैंक में भरा है, इसलिए पाइप से आने वाले पानी का आयतन बराबर टैंक में भरे पानी का आयतन, टैंक में भरे पानी का आयतन, पाइप से आने वाला पानी है पाई आर स्क्वायर 1/2 2.52 और 1000 और इसके आगे ये दो जीरो और हो गए इज इक्वल टू, ये है पाई 40 स्क्वायर इंटू 3.15 इंटू 100, पाई पाई कैंसिल हो गया दोनों साइड से, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 40 × 40 ये, और ये 315 इंटू 100 पॉइंट हट गया 315 हो गया, अपॉन ये 2.52 इंटू ये दिस इंटू 100 हो गया, ये 2 हो गया इधर ऊपर ये 2 हो गया, ये जीरो दो इस जीरो से कैंसिल हो गए। इसके बाद ये जो 2.52 है इसको अगर आप यहां से ऐसे कैंसिल करेंगे तो ये होगा 1.26 और दिस इज इक्वल टू 5, यहां से कैंसिल करिए तो ये हो गया 5 6 जा 30 और 5 3 जा 15, दिस इज 4 × 4 × 63 अपान, ये जो 4 है इसको यहां कैंसिल करेंगे, पहले आप कैंसिल कर लीजिए तो ये 4 2 जा 8 4 5 जा 20 और 4 0 हो गया है,
इसके बाद टू से इसको कैंसिल करिए, टू टू जा तो ये हो जाएगा 125। तो इसको इसे हटा लीजिए, इसको यहां से फिर से देख लीजिए, ये पाई और पाई कैंसिल हो गया, 40 × 40 × 315 अपान ये यहां से 2 और ये 1.26 कट जाएगा, तो 1.26 के लिए ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 126 1230। ऐसे हो गया, 20 से ये पॉइंट यहां पर हट गया। इसके बाद देखिए 00 ये कैंसिल हो गया, 00 ये कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4 3 जा 12 4 1 जा और 2 बचा 4 5 जा 20, ये 3 1 जा 5 वन टाइम, ये वन टाइम, तो ये हो गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4। सो आर इज इक्वल टू अंडर रूट 4 यानी 2, और इसलिए हमको चाहिए व्यास, पाइप का व्यास, इसलिए व्यास हो जाएगा 2 × 2 = 4 सेंटीमीटर।